एंड छोटे बच्चों से जब मैं स्टेज पे एक्टिंग कराती हूँ एंड सिंस आई एम शो पीपल ऑल ओवर आर वॉचिंग सो मेनी ऑफ माई स्कूल children's mothers are watching today mm-hmm. they will be able to vouch for this they do a wonderful job whether bacche bade cute lagte hain na bahut cute lagte hain theater and we make them do very difficult things it aasan aasan kaam nahi karate I think you came to shayad perhaps beauty and the beast I think that was one of the plays I have done around the world in 80 days I have done shrek I have done Arabian Nights under 12 mujhe abhi tak yaad hai I My first performance, मेरी ख्याल में मेरी उम्र तब थी कोई 4 साल या 5 साल तो स्कूल का प्ले था और मुझे उस प्ले में सोना था और वो प्ले जिस तरह सेमनीज होती हैं वो डिले होते होते काफ़ी डिले हो गई और जब मैं सोया तो आई एक्चुअली स्लेप्ट मेरे ख्याल में बच्चों के लिए खासतौर पर स्कूल में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और आपकी डेवलपमेंट ऑफ द माइंड के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की एक्टिविटी के अंदर शामिल हों हेल्दी भी है इट्स बेटर देन वाचिंग वीडियो गेम्स एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स जिसमें डिबेटिंग है तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं जिससे एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस जो है बच्चे में डेवलपमेंट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू हियर बिकॉज़ अ लॉट्स ऑफ पेरेंट्स कम टू अस एंड से ये फजूल टाइम में आप हमारे बच्चों को क्यों जाया करते हैं आप क्यों सिखाते हैं आप क्यों स्टेज पे लेके आते हैं इसकी जरूरत नहीं सिर्फ पढ़ाई लिखाई बट आई ऑलवेज से वी आर ऑल सिटिंग हियर बिकॉज़ वी आर वेल ग्रूम्ड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द पर्सनालिटी बिकॉज पर्सनालिटी कंप्लीट तब तक नहीं होती सिर्फ रटा अफिकेशन से नहीं होती बल्कि इट बिल्ड्स अप योर पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस इन सो मेनी अदर characteristics as you can see so thank you for saying that I'm sure many people will listen to you aapse sawal abhi aapka dress aap dikha rahi thi jo aapne banaya ah wo mera so you like wearing your own creations no actually this is not my own creation मैंने तो ये खरीदा था तहजीब से अच्छा जी लेकिन आप करती क्या सॉरी माय देख ले नहीं नहीं देखे ना आपको तो पता ही नहीं है मैं क्या करती हूं आपकी कैसे कह रहे हो आपकी ना रिसर्च कमजोर है आज नहीं इतनी सारी है ना मैं इतना ज्यादा ले रही हूं आप ओवरवेलम्ड हो ये ओवरवेलम्ड देखिए आप तो मुझसे हैं पीर जी अच्छा तो पूछ ही नहीं सके कुछ क्योंकि आप अपना ड्रेस दिखा रही थी तो मैंने ड्रेस के हवाले से बात की कि शायद आप भी नहीं करिए अच्छा पीर जी अब कोई बनता है कोई सवाल है हकदार सवाल बनता है हाउस वाइफ है प्यारी प्यारी बेटियां इनकी मियाँ इनके बहुत अच्छे हैं आसिम भाई हम लोगों को और इनकी पार्टीज अगर आपने अटेंड नहीं की तो मैं कहती हूँ कि आपने कुछ मिस कर लाहौर में मैंने भी कुछ चीज मिस की है मैंने भी किया मिस कल इन्होंने एंजॉय किया इनकी पार्टी हम सारे के सारे इनके घर में बैठे हुए खाना पकाते हैं नहीं जी मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता ये सराय की बड़ी प्यारी बोलती है यू आर टू स्पीक सराय 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 की अच्छा चले जी फिर आपको आती है मेरे गांव की जुबान है मुझे मैं समझता हूं कि सराय की इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इट इज वेरी स्वीटेस्ट एक जमाने में मतलब टूटी-फूटी उसको ये नहीं कहना चाहिए कि बोल लेता हूं बट मैं समझ सारी से आता हूं एक जमाने में हमने एक सीरियल किया था उसका नाम था दरिया तो वो हमने सारा जाके रोही के अंदर भी शॉट द होल सीरियल That's that famous serial जिसमें मैंने समीना को जब कहा था कि तुम्हें तलाक दी तो अच्छा वो जिसके अंदर वो याद आ गया हां सचमुच हो गई है तलाक कंट्रोवर्शियल हो गया था इसमें सो कंट्रोवर्शियल मतलब हमने तो सुना है मगर हमने यू नो लाइक फील किया है कि वाकई उसका क्या ऐसा कैसे हो सकता है और बड़ा उस पे था बहुत न्यूज़पेपर्स में आता था बहुत डिबेट शुरू हो गई जिस तरह हमारे यहां पे किसी भी चीज को लेकिन उसमें बहुत सारे उलेमा जो थे वो हमारे फेवर में थे हु वर सेंडिंग देयर थीसिस ऑन दिस और खैर उस वाक्य के बाद मुझे ये हुआ कि आई वेंट एंड रेड अ लॉट अबाउट इस्लामिक लॉ इस्लामिक हिस्ट्री व्हिच इज अ गुड थिंग बिकॉज़ आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है बिल्कुल सही बड़ा मुश्किल है एक्टिंग की फील्ड भी इतनी माशाल्लाह से ऐसी नेचुरल है ना कि कोई देखता है तो उसको हर चीज इतनी रियल लगती है हाँ, कोई अगर माठा एक्टर बोले तो चलो बंदा ब्लेम भी नहीं कर सकता आप लोगों को उस जमाने में वो जो काम था वो जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ था मैं ये नहीं कहूँगा कि अब जो काम है वो बदतर हो रहा है अब भी बहुत अच्छा काम हो रहा है टेलीविजन पे एक्टिंग का भी और ड्रामों का भी लेकिन वो टाइम पीरियड जो था उसमें कोई रियलिटी का एलिमेंट कुछ ज्यादा था ग्लैमर वाज नॉट कंसीडर्ड एवरीथिंग
मोस्टली जो कंसिडरेशन थी कि आप काम जो कर रहे हैं उसकी आपका, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, जो अभी भी कर रहे हैं, हम वी आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल जो हमको देख रहे हैं, तो आप कितना इफेक्टिवली उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। मुझे याद है कि उस सीरियल में मुझे नहीं लगता कि समीना ने कभी भी मेकअप लगाया हो, मेकअप की जरूरत नहीं थी उस कैरेक्टर को। सुबह हम मैं उठता था तकरीबन जी 3 बजे भावलपुर शहर में, और हम तकरीबन वहाँ से 3:30-4 बजे हम निकल पड़ते थे। तो 2.5 घंटे की जर्नी होती थी इनटू डेजर्ट एवरी डे, 2.5 घंटे की जर्नी होती थी आउट ऑफ डेजर्ट एवरी डे। तो जाके हम शूट करते थे सारा दिन, और ये काम जो है इसके एक एपिसोड के घंटे के मुझे 810 रुपए मिलते थे। 810 इट वाज नॉट एक्चुअली फॉर मनी दैट वन वाज डूइंग पैसे के लिए नहीं था। हमेशा ये कहा जाता है कि जी टीवी का मैं बहुत महरून मिन्नत हूँ। मैं समझता हूँ कि टीवी को हमारा महरून मिन्नत होना चाहिए कि वी हैव गिवन द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ टू पीटीवी को। जो ड्रामास आपने दे दिए हैं और जो उस टाइम पे हमने एंजॉय किया सब कुछ, वो नहीं मिल सका। एक दौर में मुझे याद है कि हमारा एक सीरियल था तीसरा किनारा, जो बहुत जिसकी धूम पूरे हिंदुस्तान में और मैं हैरान होता था कि ये मुझे कर्नाटका से फैन मेल आई है, ये कौन उसने यहाँ पे देखा है हिंदुस्तान में जी, दैट वाज वेरी फेमस। और कलकत्ता से आ रही है मेल, आप सोचिए कि तकरीबन 1100-1200 लेटर्स होते थे महीने के जो आते थे फैन मेल जिसको आप कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप किसी के पास टाइम भी है फैन मेल भेजने का। ये बात नहीं है कि लोगों के फैन नहीं है, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन है कम्युनिकेटिंग, बिकॉज उस जमाने में कम्युनिकेशन का जरिया लेटर था। अब हमारे पास ईमेल आ गई और आपको ईमेल फेसबुक आ गई है, आप लोग बीबीएम आ गया भाई, बट आई थिंक फैन एसएमएस बीबीएम फैंस तो अभी भी आपके बहुत होंगे और फैंस में तो कोई कमी नहीं आई होगी। नहीं, वो नेचुरल एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अच्छा, डॉक्टर साहब से आखिरी सवाल करेंगे, बल्कि शो शुरू होने से पहले थोड़ी देर के लिए चाय पिया डॉक्टर साहब के साथ, एंड वी हैड अ लिटिल डिस्कशन। टाइम की बहुत पंचुअल है डॉक्टर साहब, ऐसे माशा अल्लाह, इट इज अ वेरी गुड आपकी तो क्या ही बात है, इसीलिए तो चाय पी ली साथ में। लेट सी, क्योंकि इतनी एनलाइटेंड बातें मैं कर रही थी इनसे, इनकी बातें सुन रही थी कि मेरा ऑनेस्टली दिल नहीं कर रहा था उठने का। So we were having a chat, wonderful chat. Kya baat? So Dr. Saiba, the question to you is that you actually, jo hum baat kar rahe the, एक तो होता है कि आप किसी को ऑलरेडी अल्लाह ताला ने जो उसको फीचर्स दिए हैं जी, आप उसको वो पर्सन जो है वो उसको इम्प्रूव अपॉन करना चाहता है, इम्प्रूव वो समझता है कि उसकी नाक लंबी है या वो थोड़ी सी यहाँ से यूँ हो गई है। एक वो है कि किसी का डैमेज हो जाए जी, व्हेन यू डैमेज योरसेल्फ, यू नो एक्सीडेंट हो गया एंड देन यू गो इनटू अ सर्जरी, व्हिच इज मोर चैलेंजिंग टू यू? जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे इस बारे में कि प्लास्टिक सर्जरी का एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट लोगों को अभी इतना नहीं है, ऑल्दो इट्स अ डेवलपिंग स्पेशलिटी, लोगों का इंटरेस्ट बहुत है इसमें, लेकिन अभी एक जो ट्रू मीनिंग्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है वो लोगों को नहीं पता। और उसमें मैं ये बताना चाहूँगी आपके क्वेश्चन के आंसर में कि इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, मेनली इट्स अ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। सो व्हेन आपका जो जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया कि अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर सर्जरी में जैसे टंग का कैंसर होता है, उसमें वी हैव टू चॉप ऑफ, मतलब आधी टंग हमें या जितना भी पोर्शन इन्वॉल्व होता है वो निकालना पड़ता है, और इवन जॉ निकालना पड़ता है क्योंकि कैंसर में रेडिकल सर्जरी करते हैं, क्योंकि सराउंडिंग एरिया के टिश्यूज को भी निकालते हैं। अब वो टंग और वो जो पार्ट है उसको कैसे हम वापस बनाएंगे, हॉलो हो जाता है उसके लिए, जी बिल्कुल, उसके लिए वी डू अ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी विच इज़ वेरी चैलेंजिंग। एंड वॉट वी डू इज वी टेक अ फ्री फ्लैप, we take a flap from the forearm including jisme bone bhi hoti hai, part of the bone hum lete hain and tissue lete hain, usko yahan se utha ke usko yahan lagate hain, aur it's all the plumbing job ki yahan ki arteries ko yahan connect karte hain, so this is a really challenging job, aur mera apna bhi interest reconstructive surgery mein bhi bahut hai, like breast reconstruction, kyunki breast cancer is very common in Pakistan as well, aur problem ye hai ki jab cancer ho jata hai to एक टैबू है, एक फोबिया है लोगों को कि कैंसर हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। कैंसर के बाद आप ज़रूर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराएं, क्योंकि इंग्लैंड में तो अब ये ट्रेंड हो गया कि जैसे ही अब फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, मैस्टेक्टमी करते हैं जिसमें ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है,
उसी ऑपरेशन में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी करते हैं. और जब पेशेंट उठता है एनेस्थीसिया के बाद तो उसको कोई भी अपना बॉडी पार्ट मिसिंग नहीं लगता. अच्छा एक वक्फा हमें दरकार है, मगर अभी हमारे सेशन के जो होस्ट हैं वो हमारे इस हॉट सीट पे मौजूद हैं. मैं चाहूंगी कि अगर तो यहाँ पे एक वक्फा दरकार है, भेजना आपको पड़ेगा. उसके बाद फिर हम जो है आपको घेरेंगे, बहुत सारे सवाल है करने को, पूछने को. बिल्कुल. तो आपका कैमरा जी. मैं क्या कहूँ, ब्रेक ब्रेक यस वी गो फॉर अ ब्रेक एंड स्टे विद अस. वी विल बी बैक विद सम बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी सारी बातें होंगी और इतनी खूबसूरत खवातीन हैं वो सवाल करेंगी और मैं जो है जो नरगे में फंस चुका हूँ वो जवाब दूंगा. सो वी विल बी बैक. अदा बन जाए, अदा बन जाए, अदा बन जाए.